इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कशन अवर्ट द माइक्रोबायोलॉजी न्यू चैप्टर दट इज द नजरिया इस्पेशली इन द मिनजो कोकास ठीक है वट इज़ द मोरफोलॉजी यहाँ ग्राम निगेटिव एरोबिक एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव नॉन वोटाइल डिप्लोकोकाई नजरिया इज द देखो डिप्लो कोकाई का मतलब होता है इन पेयर में जो नजरिया होगा वो पेयर में रहेगा क्लासिफिकेशन के बात करें नाइजीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोजिन एंड नॉन पैथोजेनिक डिवाइड किया गया है और जो पैथोजेंस में आता है नजरिया मेनजाइटिस एंड निया गिया एंड नॉन पैथोजेनिक में आता है वह नजरिया फ्लेस नजरिया एंड नजेरिया सफलेवा दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नाइजेरिया एंड फर्दर आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर द नजरिया मेनजाइटिस इन डिटेल नेजेरिया मीनज जिसे मिनी मीनी बोलते हैं ठीक है मोर्फोलोजी क्या होगा उसका ग्राम निगेटिव होगा एस्पेरिकल या ओवल कोकलाई होगा साइज होगा पॉइंट सिक्स से पॉइंट एट माइक्रो एम अरेंज इन पेयर यानि डिप्लोकोकाई ठीक है दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर कल्चर की बात करते हैं इसका देखो ये ब्लड अगर चॉकलेट अगर में इसका कल्चर किया जाता है और एक म्यूसलर हिंटोन अगर कॉमनली यूज मीडिया दिस मीडिया यूज फॉर द कल्चर है द ब्लड एंड सीरम के यूज करते हैं इसे मतलब ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए सेलेक्टिव मीडिया में हम यूज़ करेंगे थे मार्टिन मीडियम विथ एंटीबायोटिक भेंकोमाइसिन एंड नेस्टीन ट्रे ट्रेमिथोपरीम यह मिला के हम यूज करते हैं सिलेक्टिव मीडिया में ठीक है यह बात हो गया हम कल्चर का नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल डशन उससे पहले हम देखते हैं कि जो पी एच है ग्रोथ कराने के लिए वो होना चाहिए सेवन फोर पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट सिक्स ओके ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए थर्टी फाइव से थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मतलब कि जो नेजेरिया है उसे ग्रोथ करने, करने के लिए थर्टी फाइव से थर्टी डिग्री सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए कल्चर में इट कैन बी ग्रो इन एरोबिक कंडीशन एरोबिक कंडीशन में ये ग्रो करेगा एनारोबिक में बिल्कुल ये सॉरी एनारोबिक में ही ग्रो करेगा एना जो एरोबिक कंडीशन है उसमें बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा ये ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम बायोलॉजिकल रिएक्शन पे, दे आर कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव बोथ आर पॉजिटिव ऑक्सीडेज रिएक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई नजरिया ओके अब कैसे हेल्प करता है हम ऑक्सीडेज टेस्ट में देखेंगे ग्लूकोज एंड मेल्टोज आर फर्मेंट विथ एसिड प्रोडक्शन बट नो गैसेज ठीक है नोट ग्लूकोज फरमेंट्स ग्लूकोज बट नोट मिल्टोज सॉरी दोनों कोकाई जो है ग्लूकोज फर्मेंट करता है पर मल्टोज नहीं पर जो मेनिंग कोकस है वो दोनों फर्मेंट्स करेगा ग्लूकोज और मल्टोज दोनों फर्मेंट्स करेगा बट नो गैसेस गैस नहीं रिलीज करेगा ठीक है एसिड प्रोडक्शन के साथ तो ऑक्सीडाइज टेस्ट में बताया गया फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीडाज रिएजेंट इज पोर्ड ऑन कल्चर प्लेट नेजेरिया कॉलोनी बिकम्स डीप पर्पल जो हम इसमें तैयार करेंगे रेडी करेंगे ना बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब बैक्टीरिया का उसमें हम जब ऑक्सीडाइज रिएजेंट डालेंगे कल्चर प्लेट पर तो हमें जो मिलेगा उसका क्लो कलोन, नेजेरिया कॉलोनी का ना वो डीप पर्पल कलर के मिलेगा अरे डीप पर्पल कलर का हो जा रहा है तो हम समझेंगे ये नेजेरिया फैमिली के हैं ठीक है नेजेरिया कॉलोनी है नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद एंटीजनिक स्ट्रक्चर क्या है इसका देखो जो नेजरियम नंजाइटिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थर्टीन सीरो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिक ऑफ द कैप्सुलर पोलीसक्राइड देखो कैप्सुलर पोलीसक्राइट के बेसिस पर हम जो नेजरियम नेंजाइटिस हैं उसको डिवाइड किए हैं थर्टीन सीरो ग्रुप में ठीक है सीरो ग्रुप में क्या होगा ए बी सी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोज, ठीक है इसके वजह से नजरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है उसके बाद है वाई जेड डब्लू वन थ्री फाइव एंड टू नाइन ई एच आई के एल ये जो थर्टीन टाइप है सीरो टाइप ये इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर दिखा रहा है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रेसिस्टेंस ये हाईली ससेप्टेबल टू तो हीट डिसेक्शंस एंड desiccations and disinfectants, okay. They are also susceptible to penicillin, ampicillin and chlor chloramphenicol, macrolides मैक्रोलिट्स एंड सिप्रोफ्लैक्सासन देखो जो पेनीसलिन है वो इसमें ड्रग ऑफ च्वाइस है ठीक है इसमें ट्रीटमेंट हम पेनिसलिन जी देते हैं तो अगर पेनिसलिन रेसिस्टेंस है तो हम इसके मतलब उसके बदले में हम जो ड्रग देंगे वो सेफ्लास्पोरिन का थर्ड जनरेशन ड्रग देते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद पैथोजेनेसिस जो पैथोजेनेसिस जो है जो मेनन्जाइटिस है कॉज द पैथोजेनिक मेनजाइटिस सॉरी पायोजेनिक मेनजाइटिस इन ऑल एजज स्पेशली बट जो मोस्ट कॉमन एज है वो होगा चिल्ड्रेन और यंग एडल्ट में ठीक है और इसका रिजर्वाइवर कौन सा है आपको नेजो फारिंग्स है नेजो फारिंग्स फारिंग में हुमेन नेजो फारिंग्स में ही ये रहता है ठीक है एंड जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो अबाउट थ्री डे थ्री डे थ्री डेज कम से कम हमें पता लग लगाने में टाइम लग जाता है कि इसे मैनजाइटिस है कि नहीं मैनजो कोमिया प्रजेंट इन इक्वेट फीवर पेचल डेसेज एक क्यूट फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पर्मिनेंट केकेमिया ठीक है वाटर हाउस फिलड्रेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको करेक्टरिस्टिक बाय सॉक एंड डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एंड मल्टी सिस्टम फेलियर ये इसका करेक्टर है कौन सा वाटर हाउस फेड्रेशन सिंड्रोम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद देखते हैं क्या है लेबोरेटरी डिजीज।, डिजीज अब हम देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है उसके में देखो पहला स्पेसीम कैसे क्या क्या लेंगे हम मतलब कि इसका टेस्ट के लिए डायग्नोसिस डिजीज कर लिए सी एस एफ ब्लड पेचन एस्पेसीम एंड द नेजो फरंजल स्वाप्स देखो स्पेशली टू डिटेक्ट द केडीज़ तुमको आपको हम आप सबको पता है कि नहीं जो फ्रंजेल में रहता है इसलिए हमें ये लेके हम रुई के कॉटन में लगा के हम उसे टेस्ट के लिए भेजते हैं अब कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्पेशम इज डन अंडर द एस्ट्राइड कंडीशन बाय द लम्बर पंक्चर ऑफ सेसप एस्ट्राइल कंडीशन एस्ट्रली एस्ट्राइल कंडीशन में करेंगे निकालेंगे लंबर पंक्चर करके या भेनो पंक्चर करके हम ब्लड से निकालेंगे ठीक है ब्लड कलेक्ट करेंगे ब्लड इज इंजेक्टेड इन टू द ब्लड कल्चर बोटल थ्रू द होल इन बोटल कैप ओके नेक्स्ट नेजोफ्रेंजियल स्पेसिम इज कलेक्टेड बाय द यूजिंग द स्ट्राइल स्वाब ओके okay? उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट का पेनिस्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इफ द पेनिसिन एर्जिक तो हम देंगे क्राम्पिनिकोल या सेप्ट्रीजोन या सिपोट्राजाइम आर इफेक्टिव ये जो दोनों ड्रग है सेप्ट्रोजोन ये थर्ड जनरेशन सेफालो है ठीक है हम थर्ड जनरेशन सेफालो भी देंगे ठीक है नेक्स्ट आते हैं प्रोफ्लैक्सिस देखो कीमोप्रोफ्लैक्सिस में करते हैं जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में है उस उसके जो नेजो फरिंग्स में बैक्टीरिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए लोगों को हम देते हैं रेमपेसिन एंड सीफाल नेक्स्ट आते हैं इमानो इमिनोप्रोफ्लैक्सिस मेन्जोकोकल वैक्सीन गिव सिंगल डोज आईवी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पोलिसक्राइड ऑफ सीरो ग्रुप्स ए सी डब्ल्यू वन थ्री फाइव एंड वाई देखो इससे हम प्रिवेंट करने के लिए हम मैनेजरों को कल वैक्सीन भी देते हैं जो कि नेसेसरी तो नहीं है उसे सबको नहीं दिया जाता पर अगर, अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ठीक है इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं नेक्स्ट का वीडियो हम जल्द लाएंगे अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट करिए बी डी इन हिंदी से टेलीग्राम चैनल है ठीक है थैंक यू इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू